राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा शरद पवार के जन्मदिन के अवसर पर शुक्रवार को मुशायरे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शब्बीर अहमद विद्रोही ने कहा कि साहित्य की दृष्टि से उनका जन्मदिन मनाने का निश्चय किया गया, जिसके चलते इस मुशायरे का आयोजन किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के 81वें जन्मदिन के अवसर पर शहर में कई जगहों पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से एक शाम पवार साहब नामक मुशायरे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बात करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शब्बीर अहमद विद्रोही ने कहा कि साहित्यकारों का कहना था कि उन्हें शरद पवार का जन्मदिन साहित्य की तरीके से मनाना है, जिसके चलते इस मुशायरे का आयोजन किया गया। इस दरमियान 18 कवियों ने शरद पवार को समर्पित अपनी प्रस्तुतियां दी। हाँ, ये कार्यक्रम आदरणीय शरदचंद जी पवार साहब के 21वें जन्म दिवस के उपलक्ष में किया जा रहा है, और चूंकि हमारे यहाँ साहित्यकारों का ये था कि हम लोग साहित्यिक रूप से साहब को जो है जन्मदिन की बधाई दें। कार्यक्रम इतने चल रहे थे कि उसके हिसाब से आगे बढ़ने में ये था, क्योंकि हमारा भी 15 तारीख को दिल्ली में साहब के साथ ही चर्चा थी, इसलिए 17 तारीख रखी गई और 18 इसमें शायद बुलाए गए, क्योंकि 18 को अगर उल्टा कर दिया जाए तो 81 अपने आप हो जाता है। तो ये सोच लिया गया कि साहब के 21वें जन्मदिन पर 81वां का हिसाब हो, 81 शायर बुला दें तो कोई 2-2 मिनट भी अगर पढ़े तो समय का अभाव हो जाता। और ये कुछ भी नहीं है, ये एक उनके प्रति प्रेम निष्ठा का एक आवाहन है, और कवियों का ये विचार था, इसलिए एक शाम आदरणीय शरदचंद जी पवार के नाम। शहर के मशहूर कवियों ने इस मुशायरे में शिरकत करने की जानकारी राष्ट्रवादी के विद्रोही ने दी। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा अटवा, BCN न्यूज़ नागपुर।